माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया, और उम्मीद करती हूँ आप सब देखने वाले हैरियत से होंगे। तो गाइस, आज जो है वो मैं एक बीबी स्टिक पर रिव्यू देने वाली हूँ, जो कि कैरेट क्लियर स्मूथ ऑल इन वन बीबी स्टिक है, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। इससे पहले मैंने कभी भी ये बीबी स्टिक यूज़ नहीं की थी, और इसका जो रिज़ल्ट था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऐसे नेचुरल ग्लो ये देता है, और ऐसे फेस पे अगर इसको अप्लाई करो तो ऐसे लगता ही नहीं कि आपने कोई बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशन या बेबी क्रीम लगाई हुई है, और बहुत ज़बरदस्त आपकी ये स्किन के साथ मिक्स हो जाता है। इसमें काफ़ी शेड हैं, मेरे पास जो शेड है वो 03 है, और इसमें आपकी स्किन के हिसाब से आपको काफ़ी शेड मिल सकते हैं। गाइस, ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप फाउंडेशन या हैवी बेस के शौकीन नहीं हैं, आप बीबी फाउंडेशन बीबी स्टिक के आप मतलब लाइट फाउंडेशन अपनी स्किन पे लगाना चाहते हैं, तो उन लड़कियों के लिए ये ज़बरदस्त है। ठीक है, अब अपनी स्किन के हिसाब से मैच करके इसका शेड जो है वो आप ख़रीद सकते हो। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप बड़ी कम और मुनासिब कीमत में इसको ख़रीद सकते हैं। हर जगह ये आसानी से मिल जाती है। और ये अब ये एक बात ये कि इसकी फुल कवरेज है कि नहीं, तो इसको जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा ये आपको आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे हैं उसको छुपाएगा, और ये फुल कवरेज ये जो बीबी स्टिक है वो नहीं है। लेकिन इसको लगाने से आपके जो एक फेस पे जो बहुत हैवी ऐसे फील हो जाता है कि बहुत हैवी फाउंडेशन या बेस बनाई हुई है, और वो खुद को भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बिल्कुल भी ऐसी बेस नहीं है, लाइट वेट बेस है ये। तो जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको यूज़ करके फिर ही इस पे वीडियो बनाई है। आप इसका शेड देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त स्किन पे जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये बहुत खूबसूरती से बड़े आसानी से ब्लेंड हो जाएगी आपके फेस पर। ठीक है, और बहुत आसानी से रिमूव भी हो जाएगी। लेकिन ये स्टिक लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, तो ये जो स्टिक है ये मैं आपको बता दूँ कि 5 घंटे के बाद आपकी स्किन पे क्या, अगर आप पार्टी पे गए हो या शादी वगैरह, तो उसके बाद ही 5-6 घंटे के अंदर अंदर ये जो बेस है वो आपकी स्किन से हटना शुरू हो जाती है। तो ये बेस जो है ये लॉन्ग लास्टिंग बेस नहीं है, ये बीबी स्टिक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल रूटीन में अपनी शामिल करना चाहते हो, जैसे कि आप पाए जाते हो कॉलेज जाते हो या यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में, तो बहुत बेस्ट है, आप इसको अपने बैग में रख सकते हो। छोटी सी ये स्टिक है, तो आप 4-5 घंटे या 5-6 घंटे आपके आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन ये फुल कवरेज बेस नहीं है, आप इसको जितना ज़्यादा लगाते जाओगे फेस पर तो आपको थोड़ी बहुत कवरेज इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करिए बेस के बारे में। अगर कुछ भी और पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी और बेस के बारे में, स्टिक के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैट बेस ये स्टिक नहीं है, ठीक है, तो अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग आप चाहते हो, थोड़ा बहुत 5-6 घंटे तो टिक ही जाए फेस पर, तो आपको क्या करना है कि प्राइमर इस स्टिक को लगाने से पहले आपने प्राइमर ज़रूर अपने फेस पर लगाना है। प्राइमर लगाने के फौरन बाद ही इस स्टिक को नहीं अपने फेस पर अप्लाई करना, प्राइमर के 5 या 4 मिनट के बाद इस स्टिक को अपने फेस पर लगाना है। और आपने इस जो स्टिक है वो आप अपने हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप अपने फेस पर इसको अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक खूबसूरत सा लुक देगा। थोड़ी आपकी जो ये बेस होगी वो ग्लो करेगी आपके फेस पर। तो बेहतर ये है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप अपने इसको फेस पर अप्लाई करो बहुत जल्दी में, तो फिर आप अपने हाथों की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।